कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है स्टफ्ड मक्के के पराठे। स्टफ्ड पराठे बनाना जनरली भी लोगों को थोड़ा कठिन हो जाता है, और वो भी अब आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड मक्के के पराठे। तो आप सोच रहे होंगे तो बड़ा टफ होगा, लेकिन आज मेरी मम्मी आपको बताएंगी एक नई ट्रिक से स्टफ्ड मक्के के पराठे कितनी आसानी से आप इनको बना सकते हैं, बहुत ही इजीली, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। और जो वो ट्रिक्स आपको बताएंगी वो एक ऑथेंटिक तरीका है मक्के के पराठे बनाने का। बहुत ही टेस्टी लगते हैं जाड़ों में और बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही नई और तरीके से यूनिक रेसिपी, मक्के के स्टफ्ड पराठे। नमस्कार। मक्के के स्टफ्ड पराठे बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले इसकी स्टफिंग हमें तैयार करनी होगी। तो उसके लिए हम लेंगे एक बोल, और यहाँ मैं ले रही हूँ दो उबले हुए आलू। ये मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं। इसको हम अच्छी तरीके से मैशर की मदद से मैश कर देंगे। मैंने दोनों आलू को अच्छी तरीके से बिल्कुल मैश कर लिया है। बिल्कुल भी डेली नहीं रहनी चाहिए, यानी लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ आप इसको मैश कर लें, मसल लें। अब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है पराठों में, तो मैं हींग डाल रही हूँ। ये मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच अदरक, हरी मिर्च, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया था लगभग आधा इंच का टुकड़ा, बहुत ही बढ़िया स्वाद देते हैं ये। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच में नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, याद रहे कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपने वॉश किया है तो अच्छी तरीके से उसका पानी हटा दें, उसके बाद आप हरे धनिया को डालें, क्योंकि अगर स्टफिंग थोड़ी गीली हो जाएगी तो फिर वो स्टफिंग आटे में से बाहर निकलेगी। तो बिल्कुल हमें कोशिश करनी है कि उबले हुए आलू या हम जो भी चीज उसमें मिक्स कर रहे हैं उसमें बिल्कुल नमी ना हो। अब हम इस सारे मिक्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारे मक्के के आटे की स्टफिंग तैयार हो गई। अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप मसाले यानी लाल मिर्च, हरी मिर्च और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, मैंने पराठे के लिए स्टफिंग को बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम तैयारी करते हैं मक्के के पराठे बनाने के लिए आटे की। अब आपको मेरी मदर बताएंगी कि किस तरीके से आपको मक्के के पराठे के लिए आटे को गूंथना है, जिससे वो बिल्कुल बढ़िया और बिना फटे बढ़िया स्टफ के पराठे बने। तो सबसे पहले मम्मी ने ली है एक बड़ी परात, या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप आटा गूंथते हैं, और एक कप मक्के का आटा लगभग 150 ग्राम। अब थोड़ा सा नमक डाल रही हैं वो आटे में स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगी 1 टेबल स्पून उन्होंने ऑयल डाला है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। हाँ, जो मेन ट्रिक है इस आटे को गूंथने की वो है दूध। मम्मी यहाँ ले रही हैं लगभग आधा कप दूध, आप मान के चलिए ये 5 टेबल स्पून है, यानी 5 बड़ी चम्मच के करीब दूध लिया है 150 ग्राम आटे के लिए। इससे पराठे बहुत ही स्मूथ और बढ़िया बनते हैं। तो यहाँ पर ये डाल रही है दूध, और लेकिन एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध को डालेंगे जिससे कि आटा पतला ना हो जाए, जरूरत के अनुसार हम लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे और आटे को मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर कर डाल रही है मम्मी। अब बिल्कुल अच्छे से मसलेंगे। अब हम लेंगे जरूरत के अनुसार पानी, और पानी डाल करके उसको एक सार करेंगे। हमने सिर्फ दूध थोड़ा ही लिया था, थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, और आटे को सेमी सॉफ्ट हमें गूंथना है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के आटा गूंथते जाएंगे। इतने आटे में लगभग आधा गिलास पानी लगा है, आधा गिलास पानी लगभग 100 ml है, और जो इस आटे को गूंथना है उसकी यही एक टेक्निक होती है कि इसको मसल मसल के आधा आधा कर करके, और थोड़ा पानी देखिए डाला, और इस तरीके से इसमें हमें मसलना होगा। जितना अच्छा मसलेंगे उतना ही बढ़िया आटा एक साथ बिल्कुल स्मूथ और चिकना हो जाएगा।
ये देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपको आटा बिल्कुल इसी तरीके से गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे और आटे को मसलते जाएंगे। अब देखिए, इस तरीके से अच्छी तरीके से मसल कर आप आटा गूंथ लें और हल्का पानी का हाथ लगा करके इसको लगभग 5 मिनट के लिए आप सेट होने दें। तो हम 5 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं। अब पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक चकला, जिसपे आप अपनी नॉर्मल रोटियां बनाते हैं, और थोड़ा सा डस्टिंग के लिए हमें मक्के का आटा चाहिए होगा, और हम पराठा सेकने के लिए लेंगे देशी घी। आप पराठा किसी भी ऑयल में सेक सकते हैं या बटर में भी, मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथ पर पानी लगा करके आटे को एक सार करके स्मूथ करेंगे वापस इस तरीके से। ये हम एक पराठे की लोई लेंगे, जो थोड़ा सा हमने पाट लिया था उससे 2 बराबर हम लोई बना लेंगे, यानी पेड़े तैयार कर लेंगे पराठे के लिए। पानी का हाथ हमने लगा रखा है और उसी से इसको स्मूथ कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से दबा दबा करके थोड़ा लोई को बड़ा कर लेंगे। जो आपने पेड़ा लिया है उसको हाथ से दबाएंगे और थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे को भी हम इसी तरीके से बड़ा कर लेंगे। ये हम तैयारी कर रहे हैं एक स्टफ्ड पराठे की, हमें उसके लिए 2 लोई चाहिए होंगी, यानी 2 पेड़े चाहिए होंगे एक पराठा बनाने के लिए। अब चकले पर आप थोड़ा सा मक्का का आटा लेकर के डस्ट कीजिए, थोड़ा सा डालिए सूखा आटा। अब उस पर एक लोई को, यानी एक जो आपने पेड़ा तैयार किया है दबा हुआ, उसको रखिए। हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी, अब 1 चम्मच हम आलू की स्टफिंग लेंगे और एक जो हमने पेड़ा प्रेस करके तैयार किया है यानी लोई, उसके बीच में इस तरह दबा करके बिल्कुल एक सार कर लेंगे, और बीच में आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें रखना है। अब दूसरी लोई को पानी का हाथ लगा करके एक उंगली पर किनारों पर हम लगाएंगे पानी हल्का सा, और इसके ऊपर रख देंगे। चारों ओर से अच्छी तरीके से दबा करके उसे प्रेस करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी इस तरीके से उसके ऊपर जो उन्होंने स्टफिंग भरी थी उसके ऊपर एक और उन्होंने लोई रखी दबी हुई, और उसको चारों तरफ से पानी की मदद से प्रेस कर दिया है। ये देखिए, और उसको चारों तरफ से बंद कर दिया। अब चारों तरफ से बंद करने के बाद अब चकले पर हम इस स्टफ्ड जो हमने तैयार की है लोई, इसे रखेंगे। थोड़ा हाथ पर आटा लगाइए मक्के का, और उसकी मदद से आप इसको धीरे धीरे करके बड़ा करना शुरू कीजिए। या हम किसी भी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और ना ही किसी बेलन का। हमें सिर्फ उंगलियों की मदद से ही चारों तरफ घुमाते जाना है और इसको इस तरह से प्रेस करना है कि सब तरफ से बराबर ये बड़ा होता चला जाए। बहुत ही इजीली ये खिसकता जाता है। अगर आपकी पराठा नहीं खिसक रहा है, थोड़ा सा डस्टिंग चकले को और कर लीजिए, यानी थोड़ा सा परोथन आप थोड़ा और डाल लीजिए, जिससे कि ये इजीली स्मूथली घूमने लगे, जैसे मम्मी डाल रही हैं। वापिस रखा और इसको घुमाया। तो इसी तरीके से हाथ से हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसको बड़ा कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बना है पराठा, और किनारों को हल्का सा हम दबा करके सेट कर लेंगे, जिससे कि टूटे नहीं। बहुत इजीली ये बन जाता है। आप देख सकते हैं कि पराठा बिल्कुल बढ़िया बड़ा हो गया है और कहीं से भी टूटा नहीं है। अब हम गैस पर लोहे का तवा रखेंगे। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम तवे को ग्रीस कर लेंगे। अब हमें पराठे को तवे पे डालना होगा, तो ये भी बहुत ही हमें सावधानी से करना होगा, जिससे कि पराठा टूटे नहीं। आप चकले को थोड़ा टेढ़ा उठाइए, उल्टे हाथ पर पराठे को लीजिए जैसे मम्मी ने लिया है, और धीरे से तवे पर डालिए। ये देखिए, बिल्कुल नहीं टूटेगा इस ट्रिक से। आपको चकले को हल्का टेढ़ा उठाना है। अब मम्मी इसके ऊपर हल्का पानी का हाथ लगा रही हैं, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और इसके ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा डस्टिंग की थी, अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम नीचे से अच्छी तरीके से सेकेंगे। 1 से 1.5 मिनट लगेगा नीचे से सिकने में, तो अच्छी तरीके से स्लो फ्लेम पर हमें इसे सेकना होगा। तो चलिए अब इसको हम पलटते हैं, इसको हम पलटेंगे, और ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर इसका आ गया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें ये काम करना होगा, जिससे कि ये जले नहीं और अंदर तक ये अच्छा सिक जाए। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इसको सेकेंगे।
नीचे से भी लगभग एक मिनट के करीब हम इसको सेकेंगे। अभी नीचे से भी आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से घूम रहा है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी। आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर का भी। घी में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं पराठे। हम इसे पलट देंगे और इसको दबा दबा करके सेकेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया एकदम गोल्डन पराठा बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो गया है और बहुत ही बढ़िया घूम भी रहा है। कहीं से चिपका नहीं, कहीं से टूटा नहीं। हमने किसी बेलन का इस्तेमाल नहीं किया, किसी प्लास्टिक शीट का नहीं और ना ही किसी पापड़ वाली मशीन का। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी पराठे सेक सकते हैं। बस आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो मेरी मम्मी ने करके बताया है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं एक प्लेट पर और इसको आप खा सकते हैं मक्खन से, गुड़ से, किसी भी साग से, छोले से या फ्रेश दही से। तो जाड़ो का बहुत ही बढ़िया डिश मक्के का स्टफ्ड पराठा तैयार है। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना या रात का खाना, आप एंजॉय कर सकते हैं मक्के के इस स्टफ्ड पराठे को। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और मेरी मम्मी ने जिस तरह बताया आपको अच्छी लगी होगी वो ट्रिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारू।